महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना नागपुर का दौरा रद्द कर दिया है। वो राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने जाने वाले थे। वो मंगलवार को राष्ट्रपति के स्वागत के लिए नागपुर पहुंचे थे, लेकिन अचानक ही आगे का कार्यक्रम निरस्त करके वापस मुंबई आ गए। बताया जा रहा है कि अजित पवार प्रकरण के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द किया है। हालांकि उनकी वापसी का कारण अभी तक समझ नहीं आया है, लेकिन राज्य की राजनीति में एक और भूचाल आने की आशंका जताई जा रही है। अब शिंदे के इस कार्यक्रम के कैंसिल होने के बाद आज ही अजित पवार समेत सरकार में बनाए गए कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को विभाग दिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। पिछले साल जुलाई में शीर्ष संवैधानिक पद संभालने के बाद मुर्मू की यह पहली महाराष्ट्र यात्रा है। शहर के हवाई अड्डे पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति नागपुर के कोराडी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगी। गुरुवार को नागपुर के राजभवन में PVTG के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। बाद में वो मुंबई के लिए रवाना होंगी, जहां राजभवन में महाराष्ट्र सरकार ने उनके सम्मान में आयोजन रखा है। वो एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भी हिस्सा लेंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।